आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रो वे प्रोटीन के बारे में, जो कि हमारे पास है एज इट इज का रो वे प्रोटीन। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं रो वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, क्या इसके अंदर चेंजेस होते हैं और एज इट इज के रो वे प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही सब चीजें बताने वाला हूं, क्या इसकी प्राइस है और कितना इसके अंदर प्रोटीन है, ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों को ये फायदेमंद साबित कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात की जाए इसकी, तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे इसकी स्कूप के बारे में अगर बात की जाए, इसका 30 ग्राम का स्कूप है जिसके अंदर आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो मिलता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसके अंदर शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं है। टोटल फैट इसके अंदर 1.5 इसके अंदर आपको जो है फैट मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको बता दूं, रो वे प्रोटीन जो होता है ये कच्चा प्रोटीन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जैसे मिठास वगैरह ऐड की जाती है, बाकी जो भी प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर एडिशनल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, आप लोगों को जैसे पता हो शुगर ऐड की जाती है मिठास बढ़ाने के लिए। रो वे प्रोटीन जो होता है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये रो का मतलब सीधी सी बात है कच्ची चीज होती है, जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपकी बॉडी को। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उन लोगों को रो वे प्रोटीन लेना चाहिए। रो वे प्रोटीन जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर बात की जाए शुगर की बात की जाए, वो बिल्कुल ही कम है। फैट तो सीधी सी बात है 1 ग्राम है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो इसको आप लोग ले सकते हो। जो लोग जैसे अगर बात की जाए एथलीट्स होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, वो लोग ले सकते हैं। जो लोग बिजी लाइफस्टाइल है जिन लोगों का, जो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड नहीं कर पाते प्रॉपर, वो लोग ऐड कर सकते हैं इसको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को क्या होता है कि भाई डाइट को लेकर के काफी चीजें कंफ्यूजन होता है यार, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो लोग रनिंग करते हैं, एथलीट्स होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो लोग ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट जो करना चाहते हैं, अपने वेट को बराबर रखना चाहते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी को प्रॉपर रखना चाहते हैं अपनी डाइट के अंदर, वो लोग भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं, जिससे उन लोगों को बेनिफिट्स होगा, उन लोगों की जो बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बात की जाए तो आप लोगों को एक स्कूप अगर सुबह लेते हो आप, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में 2 बार ले सकते हो इसे, आप पानी या फिर दूध के साथ में ले सकते हो, पानी के साथ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर किसी जूस के साथ में भी आप इसे ऐड कर सकते हो। और बात की जाए मिठास की, तो सीधी सी बात है काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेकर के, मिठास इसमें बिल्कुल भी नहीं है, फीका आपको टेस्ट आने वाला है अगर इसको आप लोगे तो। अगर इसकी एमआरपी के बारे में बात की जाए, अब एमआरपी की बात की जाएगी, लोग कहेंगे भी कितने का है, कितनी प्राइस है इसकी आखिरकार, तो इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 1600 रुपए इसकी एमआरपी है। अगर आज की रेट की अगर बात करूं मैं, आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहोगे तो 1100 रुपए लगभग आपके इसके रेट पड़ेगी, आज की रेट की बात कर रहा हूं। फ्यूचर में ऊपर नीचे रेटें हो सकती है, हो सकता है इससे नीचे हो या फिर इससे ऊपर भी हो सकती है। अगर इस प्रोटीन को आप खरीदना चाहते हो, रो वे प्रोटीन को खरीदना चाहते हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को वहां से इसको आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर और भी इस तरीके की कोई आप लोगों के कोई सवाल है, क्वेरीज है, तो आप लोग क्या करें कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को साइड में दिख रही होगी मेरी, यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, लव यू ऑल।